Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 35। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा है, दिस सूत्र कंटेन्स अ स्टर्न ऑर्डर फॉर द एस्पायरिंग डिवोटी। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में एक बहुत ही गहन आदेश है एक भक्त के लिए, एस्पायरिंग जो कुछ अपेक्षा है। तो सूत्र क्या है, हम लोग फिर से देखते हैं। तत्तु विषय त्यागत संग त्यागत। तो हमने देखा था इसमें दो ऑर्डर्स हैं, एक विषय का त्याग और एक संग का त्याग। तो संग हमने देखा था, इट इज कुसंग, जो कुसंग है उसका त्याग करना है, उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। तो जो एस्पायरिंग डिवोटी है, जो भक्त आगे भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसके लिए दो निर्देश है। एक विषय को छोड़ना है, विषय को नहीं छोड़ेंगे तो भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, और कुसंग को नहीं छोड़ेंगे तो भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दो जब तक हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन भक्ति यू मस्ट गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मटेरियल एसोसिएशन। इन हिज भगवद गीता प्रपोर्ट्स श्री प्रभुपाद टेल्स अस हाउ वी शुड अप्रोच सच ऑर्डर। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो दो निर्देश हैं। प्रभु रियली वेरी सॉरी, प्रभु फिर से बोलिए ना प्लीज, मेरा स्लाइड ध्यान हट गया था। ओके, तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो दो चीजों को हम लोग को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एक संग त्याग और दूसरा सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना। संग त्याग और विषय त्याग, ये दो चीज हैं, बहुत जरूरी है एक एस्पायरिंग डिवोटी के लिए। और प्रभुपाद जी भगवद गीता के प्रपटों में उनको समझाते हैं कि ये दो निर्देश का पालन हम कैसे करें। कोई सोच सकता है कि हम लोग ये बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग इसको कैसे करें, तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। वो क्या कहते हैं, द लॉर्ड इंस्ट्रक्ट्स दैट वन हैज टू बिकम फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस टू डिस्चार्ज ड्यूटीज, एंड इफ इन मिलिट्री डिसिप्लिन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं, भगवान ने आदेश दिया है कि हमको पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस बनना है अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। और जैसे मिलिट्री में होता है, कितना डिसिप्लिन्ड होता है उनका हर चीज, उठना बैठना उनका, मतलब पूरा उनका जो लाइफ होता है, मतलब एवरीथिंग इज सो डिसिप्लिन्ड। तो ये सेम डिसिप्लिन हमको कृष्ण भक्ति में भी लाना है, हमको अगर भक्ति सीरियसली करनी है तो ये बहुत जरूरी है, तो ही हम लोग कृष्ण भक्त बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। सच एन इंजंक्शन मेक थिंग्स लिटिल डिफिकल्ट। तो कभी कभी मतलब होता है ऐसे जो ये जो आदेश हैं ये थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं, लेकिन जो आदेश है, जो कर्तव्य है, उसको तो हमको करना ही है, और हमको भगवान कृष्ण पे निर्भर रह के ये करना है, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। ये प्रभुपाद जी तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक नंबर 30 के तात्पर्य में कहते हैं। तो यहाँ पे क्रक्स ये है कि हम लोगों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, तो जैसे मिलिट्री वाले डिसिप्लिन रख के करते हैं, वैसे ही हम लोग को भी ये समझना चाहिए कि हम लोग भी मिलिट्री वाले हैं, हम लोग भी सोल्जर हैं, और हम लोग भौतिक नहीं, हम लोग आध्यात्मिक सोल्जर हैं। तो दुश्मन जो है यानी माया,
वो हमको भी कभी भी हम लोग को पछाड़ सकती है. वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड और हर चीज में, लोगों का इंद्रिय संयम हो या खाना पीना रहन सहन, हर चीज में हम लोग को बहुत ही डिसिप्लिन में रहना है. तो ये है. और इसमें ये कह रहे हैं लिथार्जी इन द फेस ऑफ दिस ऑर्डर शुड बी थ्रोन ऑफ. और थोड़ा सा भी आलस है इनका पालन करने में तो उसको हमें पूरी तरह से फेंक देना चाहिए. आलस नहीं करना है. द अल्टरनेटिव इज ग्रेट अनहैप्पीनेस मोर देन वी कैन इमेजिन. या तो दूसरा अल्टरनेटिव है कि हम लोग हमेशा दुखी रहे, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं आइदर यू कैन बी इन हम लोग माया में रह सकते हैं या कृष्ण भक्ति में रह सकते हैं, या तो जैसे सूर्य में रह सकते हैं या अंधकार में रह सकते हैं, वैसे ही है. तो कृष्ण की भक्ति में रह सकते हैं या तो दुख में रह सकते हैं. और ये इतना होगा कि हम लोग इसको इमेजिन नहीं कर सकते. और जो आत्मा है वो नीचे 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 के योनियों में जाता रहेगा. तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक चेतावनी जैसा है कि हम लोगों को ये चीज बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. कुसंग स्ट्रिक्टली छोड़ना है और विषयों को हम लोगों को कोई आसक्ति हो सकती है, अरे यार मुझे ये अच्छा लगता है या मुझे ये खाना अच्छा लगता है या वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, कृष्ण भक्त नहीं है तो क्या हो गया, प्रसाद नहीं है तो क्या. लेकिन या वी हैव टू बी थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा तो ही हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे. तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे और किसी का कोई कमेंट है कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं. हरे कृष्णा. ओके हरे कृष्णा. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या दो चीजें हम लोग को छोड़नी होगी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? विषय त्याग एंड संगत त्याग. थैंक यू माता जी. व्हाट डस इट मीन एनीबॉडी अदर देन माता जी, इसका मतलब क्या है? एनी एग्जांपल्स वी कैन टेक? या प्रभु, प्रभु जी हम लोग को बेसिकली जो भी ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना है जिससे हम लोग भगवान को भूल सकते हैं. स्पेसिफिकली मतलब ईटिंग ओनली प्रसाद, वी शुड नॉट ईट एनीथिंग आउटसाइड प्रसाद. बाद में असत संग जो है, मतलब जो दोस्त हम लोग जिनको दोस्त मानते बट दे आर एक्चुअली नॉट भक्तस, या फिर जो भी मतलब कृष्ण की दे काइंड ऑफ हेट कृष्ण, गलत कृष्ण के बारे में गलत मानते हैं. हम लोग कृष्ण को नाम लेने को बोलते तो फिर वो ना बोलते हैं. इस टाइप के लोगों से हम लोग को दूर रहना है प्रभु जी. हरे कृष्ण. वेरी गुड. ओके थैंक यू. लेकिन जो कृष्ण को हेट नहीं करते लेकिन वो कृष्ण के भक्त भी नहीं है तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? हम लोग उनको एक बार एक दो बार ट्राई करना है, उनको बताना है कि कृष्ण के हम लोग का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है एंड व्हाई वी शुड चैंट हरे कृष्णा, व्हाई शुड वी वर्शिप हरे कृष्णा. अगर वो एक दो बार बता के वो अगर दिखा रहा है कि मतलब दे काइंड ऑफ शो डिसइंटरेस्ट, तो फिर हम लोग को उनसे त्याग करना है. लेकिन अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, प्रयत्न कर रहा है, चलो बाबा कुछ नहीं मैं एक राउंड तो करता हूँ, फिर हम लोग उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं वो भी एक राउंड हो रहा है कि नहीं, डेली रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं, और दे आर एक्चुअली रेसिप्रोकेटिंग टू आइदर यस और नो, तो उनसे हम लोग उनको कंटिन्यूस ये करके हम लोग वी कैन हेल्प देम ग्रो. लेकिन जो डिसइंटरेस्ट दिखाता है कि यार मुझे मत बताओ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों से फिर हम लोग को दूर रहना प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओके ओके. लेकिन जो भौतिक लोग हैं क्या फिर उनको हम लोग से टोटल कनेक्शन काट देना है हम लोगों को ऐसे लोगों से? प्रभु जी मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि उनको हम लोग को पुश करना है, हेल्प करना है. लेकिन अगर वो
पूरा डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है प्रभु जी। एक्चुअली मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मेरा दोस्त है जिसको मैं बोलता हूँ तो हर बार मानता है, हाँ वो एकादशी भी बीच में कर रहा था, घर पे प्रसाद बनाने का ट्राई करता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग पुश कर सकते हैं, वो करते भी है। एक बंदे ने मेरे को बोला कि समीर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से फिर मैं जितना भी काम से काम रखता हूँ, बाकी फिर उसको मैं कभी उससे ज़्यादा कुछ मेल मिलाप नहीं करता हूँ, और फिर मैं उसको ज्यादा बताता भी नहीं हूँ। लेकिन जो दूसरा दोस्त है जो मतलब मैं कहता हूँ तो ट्राई तो एटलीस्ट करता है, तो उसको फिर मैं पुश करता हूँ, उसको बताते रहता हूँ, उसको कंटिन्यूस प्रीच काइंड ऑफ करते रहता हूँ, घर वालों को बताते रहता हूँ। तो इस टाइप का प्रभु जी मेरा अप्रोच है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। यस माता जी। प्रभु क्या हम प्रभुपाद जी की बात को फॉलो कर सकते हैं प्रसाद हम से उनको अट्रैक्ट करके? यस मतलब मैं जी, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक्चुअली जो बोलने ही वाला था कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं बहुत ही भौतिक होते हैं, उनको कितना भी बोलो उनका इंटरेस्ट नहीं जागता उनका, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। मतलब संग त्याग मतलब जो है अटैचमेंट जो है हमारा, अरे ये मेरा कितना अच्छा दोस्त है, अरे ये मेरा कितना अच्छा रिलेटिव है, ये मतलब वो अटैचमेंट ना हो कि हम लोगों को देर शुड बी ए कंपैशन, उसके प्रति दया होना चाहिए। अरे ये कितना मूर्ख है, हम लोग इसको इतना बोल रहे हैं लेकिन इसको अभी भी गलत चीजों में इसको अट्रैक्शन है। तो दैट कंपैशन शुड बी देयर एंड वी शुड, जैसे माता जी ने बोला, सम हाउ उसको प्रसाद हम खिलाओ, या उसको अगर लेक्चर्स में या फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो ऐसा प्रभुपाद जी का छोटा छोटा बुक्स उसको दे दो, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है उस चीज से उसको तम उसको खींचने की कोशिश करो। तो जैसे हम लोग देखे प्रभुपाद जी वेस्ट में क्यों गए वहां पर प्रचार करने के लिए, उधर तो कुछ भी नहीं था और टोटली ऑपोजिट थे एकदम, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको समहाउ मतलब उनका पावर भी था, इट वॉज सो पावरफुल प्रभुपाद जी, तो उन्होंने अपने शुद्धता से उनको आकर्षित किया और उनको कृष्ण भक्त बनाया। Why? Because he was compassionate, उनका गुरु का आदेश तो था ही बट उनका कंपैशन भी था कि अरे इतने सारे लोग हैं जैसे जो युवती का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वासुदेव घोष नहीं, वसुदेव दत्त ठाकुर, तो चैतन्य महाप्रभु के पास एक बार आया, बहुत रोने लगा, बहुत ही सो मच क्राइंग क्राइंग क्राइंग, बोला चैतन्य महाप्रभु उसको देख के एकदम व्याकुल हो गया, अरे क्या हो गया, व्हाई आर यू क्राइंग, बोला आई मतलब इतना देख रहा हूँ मैं, लोग इतना पाप कर रहे हैं, इनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, खाना पीना सोना सेक्स लाइफ मांस दारू बस, और ये करके नरक में जा रहे हैं, तो आई कैनॉट सी दैट, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा मेरे को। तो एक काम करिए महाप्रभु, आप भगवान कृष्ण हैं, एक काम करिए, ये धरती पे जितने भी लोग हैं इस सबका पाप मुझे दे दिए, मैं यहाँ पे रह के इसको भोगता हूँ, और इन सबको आप कृपा दे दो, इन सबको मुक्त कर दो। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो ही गॉट सो मच एकदम मतलब एकदम भाव विभोर हो गए, बोला कि तेरे लिए मन में कितना दया है इनके लिए कि यू वॉन्ट टू सफर, तुम उनके जो किए हुए और एक नहीं कई हजारों जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप है वो तुम अकेले सहना चाहते हो इतने सभी लोगों का, लेकिन तुम्हारे मन में इतना दया कि इनको मुक्त कर दो, मैं सहू। तो बोलते ठीक है, बोलते मैं ये पूरा जो है ये पूरे धरती के लोगों को मैं मतलब सबका जो पाप है मैं निकाल देता हूँ और सबको यहाँ से मैं मतलब भेजता हूँ यहाँ पे, हे दे विल गो टू गोलोकम धाम। तब बोलते हैं कि तो महाप्रभु प्रॉब्लम नहीं है मतलब पूरा धरती खाली हो जाएगा, तो बोलते नहीं ऐसे मिलियन मिलियन यूनिवर्सेस है मेरे, तो एक एक उसमें से खाली हो जाएगा तो आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पे जो मूड है वो वासुदेव दत्त ठाकुर जी का वो सो मच कंपैशनेट, तो वो कंपैशन होना चाहिए न कि अटैचमेंट। तो यहाँ पे जो छोड़ने के लिए कहा गया दैट अटैचमेंट छोड़ने के लिए कहा गया, बट वी शुड ऑलवेज हैव कंपैशन टू सच लिविंग एंटिटीज, देख रहे हैं हम लोग पाप कर रहे हैं तो समहाउ वी शुड ट्राई टू पुल देम इनटू, उनका इंटरेस्ट इसमें है, उसको अगर गाना अच्छा लगता है
ठीक है चलो, उसको कुछ भजन है, कुछ म्यूजिक है, कुछ तो भजन अच्छा सा जो है, मतलब उसके म्यूजिक से उसको अट्रैक्ट करो। उसको इस फूडी हर बार बोलता है इधर ये होटल में जाके, तो उसका मतलब उसका फूड में इंटरेस्ट है, तो उसको कुछ अच्छा प्रसादम बना बना के खिलाओ। या एक है कि मतलब हमेशा आर्ग्यूमेंट करना है भगवान ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो दैट मीन्स इज इंटरेस्ट इन फिलोसफी, तो उसको फिलोसफी से पकड़ो। तो समहाउ एनक प्रकार है ना मन कृष्ण में विषय, कैसे ना किसी तरह उसका मन में कृष्ण को डालना है। तो या इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, तो वी शुड बी कंपैशनेट, एंड दैट अटैचमेंट जो है हम लोगों का वो हम लोगों को छोड़ना है। और जैसे यहाँ पे कहा गया एस्पायरिंग डिवोटीज जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उनको ये दो चीज बिल्कुल छोड़ देना है, विषय इंद्र तृप्ति और कुसंग। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू समीर प्रभु, हरे कृष्णा। और किसी का कोई पॉइंट है तो यू कैन ऐड, नहीं तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु एक सेंटेंस ही एक बात से बोलनी है, ये जो आपने अभी प्रसादम का जैसे हम लोग ने टॉपिक का ये बताया और जैसे आपने उसका आगे बताया, तो उस पे मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस बताना है कि मेरे फ्रेंड्स लोग हैं ना वो हम लोग मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं दो बातें करूँ। हम हमेशा सुनते आए सालों से कि किसी के पेट में अगर दिल में घुसना है तो पेट के थ्रू ही जा सकते हो, खाना खिला के प्रसाद खिला के। तो मैं क्या करती हूँ, वो लोग ज्यादातर जैन है तो जैन लोग का भी थोड़ा स्ट्रिक का अलग हिसाब होता है, तो मैं क्या करती हूँ दो बातें, एक तो मैं बोलती हूँ अरे यार हम लोग चलना ड्राइव के हिसाब से भी चले जाएंगे, अच्छा लगेगा, साथ में रहेंगे और मंदिर में दर्शन भी हो जाएगा। और दूसरा मीरा रोड टेम्पल में प्रसादम का बोलती हूँ कि यहाँ जू टेम्पल में या मीरा रोड के मतलब प्रसादम किसी भी हिसाब से उनके पेट में जाना चाहिए, क्योंकि जो जैन लोग वो लोग का ऐसा प्रसादम का इतना सब ये मतलब जैसे हम भोग लगाते हैं सब होता है, शायद नहीं होता होगा यहाँ जो भी, बट एक मतलब मुझे एक बहाना मिल जाता है उनको दो टू इन वन काम के काम से, एक दर्शन भी हो जाए और प्रसादम भी खिलाने का हो जाए, तो हम धीरे धीरे उनको मतलब उसमें उनकी सुकृति हो सकती है। तो मैं ये करती हूँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड थैंक यू माता जी। ओके और कुछ कमेंट नहीं है जी, माता जी यू वांट टू ऐड समथिंग? प्रभु जी आई वाज थिंकिंग अबाउट द अदर यू नो द विषय त्याग, बिकॉज़ वन पॉइंट व्हिच रजिस्टर्ड फॉर मी वाज वंस वी विथड्रॉ आवर सेंसेस वी कांट कीप द सेंसेस इन वैक्यूम, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में यू नो अटैच करना चाहिए, बिकॉज द सेंसेस स्टिल नीड टू बी एंगेज्ड एंड स्लोली वी विल डेवलप द टेस्ट फॉर दिस हायर यू नो समथिंग हायर हायर टेस्ट विच इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो द संग द विषय त्याग, यू हैव टू गिव अप मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन बट एंगेज इट इन द हायर टेस्ट दैट इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yeah, yeah. Thank you, Mataji. Very nice. And this is what Lord Krishna also says in Bhagavad Gita, na, ki second chapter, shloka number 59. Raso varjam rase apyasya param drishto nivartate. So the taste remains. So hum log artificially usko rok nahi sakte senses ko. So usko kuch dena hai usko. So jiva ko ye nahi bol sakte ki ye sab band karo. Nahi. तो जो है गलत चीजें मांस मच्छी मदिरा सब हटाओ और उसके बाद कृष्ण प्रसाद करो। सो थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, माता जी हरे कृष्ण, सानिका माता हरे कृष्ण, थैंक यू माता।